City Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। आपकी बात हमारे साथ के कार्यक्रम में आज हमारे साथ अनिल शाह जी, जो कि चेयरमैन है कनाडा इंडियन फाउंडेशन टोरंटो कनाडा से, हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही हैं हेमंत शाह जी, जो कि फाउंडर चेयरमैन है फोग कनाडा से। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू। सबसे नमस्कार पहले जी दीपक जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा। वर्तमान में कनाडा में क्या स्थिति है, आप कहां पर हैं, किस तरह से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान? सी, कनाडा में और टोरंटो में पर्टिकुलरली जो हमारा प्रोविंस है ओंटारियो, उसके अंदर तो ऐसी दिक्कत नहीं है कि हम बाहर नहीं निकल सकते। हम लोग वॉक पे जा सकते हैं, हम लोग ऑफिस, मैं तो ऑफिस में आ रहा हूँ, बट वी कीप मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और अनलाइक इन इंडिया, हमारे का एक एडवांटेज है, कनाडा में जगह की कमी नहीं है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, सो वी हैव द लग्जरी ऑफ स्पेस अनलाइक इन इंडिया। ये क्या है कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है जो कनाडा से बहुत ही ज़्यादा है। कनाडा में जितनी डेंसिटी है उस हिसाब से तो हम लोग आराम से रह सकते हैं, घूम सकते हैं, बट वी हैव टू स्टिल मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। और आज हमारा सबसे एक चीज है कि पीपल आर बिकम रिस्पॉन्सिबल, दे आर लाइक, हम एक दूसरे के घर नहीं जाते, किसी दोस्तों के घर नहीं जाते। अगर ड्रिंक भी लेनी है या कुछ करना है तो वी डू इट ऑन वेब एक्स दिस डेज और अदर यू नो मीडियम्स। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं आपके साथ में, आप इंडिया में हो, हम क्या, मैं टोरंटो में हूँ, हेमंत भाई हमारे विनीपेग में बैठे हैं। तो विद दिस टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड एंड प्रोबेबली दिस विल बिकम द न्यू नॉर्म। शायद मीटिंग्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी, बट दूर होकर भी हम सब एक साथ हैं। जी बिल्कुल सही बात किया जी, दूर होकर भी हम एक साथ हैं। सो देयर इज व्हाट द स्टोरी इन जी जी बिल्कुल। मैं हेमंत जी आपके पास आना चाहूंगा कि आप बताइए अभी वहां पर आपके क्या स्थिति है, क्या लॉकडाउन में आप भी अंदर बैठे हैं या वर्किंग शुरू है? हमारे वहां लॉकडाउन जस्ट लास्ट वीक खुला हुआ है, यानी फेज वन में, और विनिपेग में, मैं जहाँ पे वेस्टर्न कनाडा बोला जाता है, तो वहां पे अभी एसेंशियल सर्विस जो थी वो कुछ चालू की है उन्होंने। लेकिन अगेन जैसे अनिल भाई ने बताया कि हमें रिस्पॉन्सिबल एक सिटीजन की तरह कहा गया है कि कीप द सोशल डिस्टेंस, दूसरी आपको जरूरत नहीं है तो आप बाहर मत निकलिए, अगर जरूरत है तो निकलिए, अगर नहीं है तो मत निकलिए। कुछ वर्कर्स हैं उनको भी उन्होंने चालू किया है 33%। लेकिन अगेन रिपीटिंग एक ही बात बोलता हूँ, सिचुएशन धीरे धीरे हो रही है, लेकिन जितने साइंटिस्ट है कि जितने चीफ मेडिकल ऑफिसर है बता रहे हैं कि कोरोना ये 3-4 महीने में खत्म नहीं होगा, ये बड़ा समय चलेगा, 1-1.5 साल। यानी हमें हमारी जिंदगी में बदलाव लाना पड़ेगा, यानी पहले जैसी जिंदगी होगी वो नहीं होगी। सोशल डिस्टेंस है, ट्रैवल नहीं करना, और कैसे हमें दूर रहना क्राउड से, गैदरिंग से, वो हमारी लाइफ में अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 साल वो हमको चेंज लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल अनिल जी, यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल ये है, क्योंकि आप जो हैं कनाडा इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं, तो वर्तमान में जो COVID-19 के बाद, यानी कि ये जो महामारी पूरे विश्व में आई है, इसके बाद बिजनेस को किस तरह से आप देखते हैं? इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स आएंगी या बिजनेस में जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको आप किस तरह से, किस नजरिए से देखते हैं? सर हमारे यहाँ तो बहुत तकलीफ है, मतलब एज यूज जहाँ पे भी है, कहीं पे भी देखो आप, एवरीवेयर वी हैव द कॉन्ट बी हैविंग अ प्रॉब्लम। चाहे आप छोटा से छोटा स्टोर ले लो, या रेस्टोरेंट ले लो, या होटल ले लो, या फिर एयरलाइन ले लो, या हमारे जैसे बिजनेस देख लो, ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू लूज मनी सीरियसली। आवर गवर्नमेंट, कैनेडियन गवर्नमेंट हैज गिविंग अस असिस्टेंस, हमें हमारे एम्प्लॉयज को देने के लिए दे हैव गिवन अस 75% ऑफ द वेजेस फॉर द नेक्स्ट से अप्रैल मई जून जुलाई तक के, तो 4 महीने के
जो हमारे वेजेस है अप टू सर्टन अमाउंट $58,700 तक, उसके 75% अमाउंट द गवर्नमेंट हमको वापस दे रही है. ओके राइट. हमारा सो दैट इज वन बिग एडवांटेज एंड सपोर्ट दैट द गवर्नमेंट इज गिविंग अस. ऑन द अदर साइड मेडिकल तो पूरा फ्री है एज लॉन्ग एज यू आर एन एम्प्लॉय आई मीन अ रेसिडेंट ऑफ ऑन्टारियो और कैनेडा. Your medical, the system provides us with anything and everything. So our cost is not there. The challenge which people are facing in Canada is the international students, जो नए नए आए हैं. And आपको पता भी होगा कि इंडिया से आज सबसे ज्यादा स्टूडेंट इंडिया से कैनेडा में आ रहे हैं. आज हमारे यहाँ कम से कम 2 लाख स्टूडेंट तो इंडिया से है, जिसमें से कम से अबाउट 70,000-80,000 स्टूडेंट हैव कम इन अबाउट लास्ट वीक अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लास्ट ईयर के. पीछे से बैकग्राउंड में बहुत न्यू आवाज आ रही है आपके सर जी, आपकी वॉइस आ रही है बिल्कुल. हाँ जी, तो ओके ये पीछे से बहुत आवाज आ रही है आपके यहाँ गोस्वामी जी. देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टरबेंस. मैं मेरी टेक्निकल टीम से कहना चाहूंगा बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आ रही है, कृपया उसको देखें. जी अनिल जी बताएं आप, आपकी वॉइस आ रही है. तो सी बेसिकली तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जिसमें से 70,000-80,000 स्टूडेंट जो है नवम्बर दिसंबर 2019 में आए हैं. दे आर नॉट द क्वालिफाइड पीपल स्टूडेंट्स. Canadian government has done a lot for the students. They are giving them almost $5,000 for the 4 months to the most of the students, and some students will also benefit another $8,000. So basically, $12,000-13,000 during the course of the next 5-6 months they will have it. These students who are international students, who October, November mein aaye, they are not qualified for that. So Canada India Foundation has taken up this as a challenge. We are working together with obviously all the MPs, MPPs, jo jisse bhi connections se hum use kar sakte hain. We have also directly written an appeal to the Prime Minister. I know that it has reached his eyes. That also I am aware of it. Because we push, right? At the end of the day, you have to push it through. So hopefully these students will benefit. Yeah. So आपका सवाल अगर यही था तो ठीक है, बाकी अगर if there is any other question, हेमंत भाई wants to add something. Yeah, हेमंत भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपक भाई मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है, he has done a really good work. खुद कोविड के उनकी वाइफ पेशेंट थी, लेकिन एवरी डे आके सब कैनेडियनों को एवरी डे, कभी मिस उन्होंने एक के दो दिन किया होगा, लेकिन एवरी डे उन्होंने अपडेट दिया है हमें और फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज दिए हैं. यस, जिसके अंदर जैसे अनिल भाई ने कहा, कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने कहा, लूपहोल कुछ रह गई है. और इसलिए मैं कहता हूं कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए लीड ली है. सिर्फ अपने इंडियन स्टूडेंट उसमें नहीं हो गए, लेकिन बाकी के भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो हो गए. कनाडा की एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे, और गर्व से मैं कहना चाहूंगा, ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडो कैनेडियन, क्योंकि हमारी मातृभूमि आप सबकी तरह भारत है, कर्मभूमि मेरे अनिल भाई और कई इनके वॉलंटियर्स, कई इनके टीम है, कर्मभूमि कनाडा बनी. ये पहला ऑर्गेनाइजेशन, इंडो कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक झंडा लिया है आगे प्राइम मिनिस्टर के सामने, और प्राइम मिनिस्टर को कहा कि भाई यू हैव डन द ग्रेट जॉब, बट द पॉइंट ये इंटरनेशनल स्टूडेंट को आप जस्टिफिकेशन दो. मैं इसलिए अनिल शाह जी और इनके पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सलाम करता हूं कि पहला कैनेडियन इंडो कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन ने पहल की है. बहुत बेटर. मैं यहां पर यह जानना चाहूंगा अनिल जी, आपसे भी यही सवाल रहे, फिर मैं हेमंत जी से भी यही जानना चाहूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि आप इंडियन गवर्नमेंट का भी वर्किंग स्टाइल जो है वो कंटिन्यूस देखते रहे हैं, समझते रहे हैं, और कनाडा गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट है वो भी आपने इस समय महामारी के दौरान देखा, आपको क्या फर्क क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट और कनाडा गवर्नमेंट?
सर एक बहुत बड़ा फर्क है इंडिया और कनाडा में अंदर, फॉरगेट अबाउट द गवर्नमेंट, द पॉपुलेशन. यू नो कैनेडियन पॉपुलेशन इज हार्डली 30 मिलियन, whereas आप वहां पे देखने जाए तो 1.3 बिलियन इंडिया के अंदर है. सो दैट इटसेल्फ इज अ अनमैनेजेबल टास्क. आई डोंट नो मच अबाउट व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग. इकोनॉमिक इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, हेल्थ मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट आपने देख ही लिए सर. मैंने तो देखी है कि मोदी साहब ने जो किया है आज लास्ट 6-7 सालों में जब से उनकी सरकार चल रही है, and from the past 70 years or 60 years what Congress had run, we know that there is a huge difference. I mean maybe ho sakta hai ki he may be using some tactics that are not perhaps good for you, for any lot of other people. However the truth is bahar baith ke to main to ye dekh raha hu ki Modi sahab ne jo India ke izzat badhai hai, India ka economy mein itna farak aaya tha before this COVID, you cannot say anything else but that. Aaj bhale there are certain individuals, some of my personal friends, they are anti Modi kyunki unko paisa nahi ban raha jis tarah se unka pehle banta tha. There are a lot of people who are suffering, but then there are a mass majority who are also benefited. Right, we see the difference, we see the challenges which Modi sahab and his team is probably facing. But in any case, he has done a wonderful job. Again, we are not comparing Canadian government kya kar rahi hai aur Modi sahab kya kar rahe. See, as far as Indian government kya kiya kya nahi kiya, you can always on hindsight you can talk about anything. Ki bhai unhone abhi ek lockdown nahi karna tha, 15 din ke baad lockdown karna tha taki workers ko move कर सकते थे. But would you agree that, believe that workers would have moved in the case? अगर आपने उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया होता तो would the workers would have migrated on their own account back home? No. But फिर भी हम कहना चाहते हैं कि भाई उन्होंने क्यों अभी से लॉकडाउन किया. There have been lot of arguments going on and we take part in those arguments. We discuss this with our friends and clients and customers in India. However, the fact Indian population density is the problem. India's population is huge. It can be a great market, but at the same time, the density is killing it for certain things like COVID. Jo hamare Canada mein difference hai. Plus, Canada is a rich country. Okay, we can afford to go into deficit, and that is what is going to happen. Aaj hum log ko kareeban, if I estimate it correctly, about $250 billion ka. इन लोग नोट छापने वाले, इन्फ्लेशन इज गोइंग टू कम, नो डाउट अबाउट इट, बट टू व्हाट एक्सटेंट दे विल हैव टू प्रिंट द नोट्स. आई मीन देयर इज नो अदर वे. जो क्वांटिटेटिव मेन प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन. मेन प्रॉब्लम तो पॉपुलेशन है. हाउ डू यू कंट्रोल दैट 1.3 बिलियन पीपल? एंड बिल्कुल आई थिंक इंडिया इज डूइंग पॉपुलेशन के साथ. और एक ऐड करूंगा अनिल भाई के, वी कनाडा एवरीबॉडी हु मेक्स अ $1 आल्सो पेज द टैक्स. That is true. Majority of us, which are 99%, 99% pay the tax. And Canada thodi cash rich hai. When apne paas India is not cash rich, apni matrubhumi Bharat cash rich nahi hai. We have to agree with it. Yeah. यानी कि जो इंडियन लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनको सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, चाहे इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे वहां के मैनेजमेंट को लेकर हो, और जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो सभी को पे करना चाहिए. जबकि इंडियन लोगों की एक मेंटेलिटी इस तरह की बन गई है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स देने में कहीं ना कहीं अपने दूसरी सोच रखते हैं, वो छुपाने की कोशिश करते हैं. तो इंडिया के लोगों से, यानी कि कनाडा में जो इंडियंस बैठे हैं, उनसे हम लोगों को सीखने की जरूरत है कि गवर्नमेंट को हमको हर तरह से सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो मैनेजमेंट की तरफ से हो, चाहे वो इकोनॉमी की तरफ से हो, चाहे वो किसी भी तरह से. गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट जो है होगा, तभी कोई भी जो कंट्री है वो आगे बढ़ेगी. हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा. जी माफ करना, अनिल जी बताइए. पर एक बात और भी है हमारे यहाँ पे जो है कैनेडियन गवर्नमेंट ऑपोजिशन अगर है तो ऑपोजिशन डज नॉट गो एंटी द रूलिंग पार्टी एंड प्रमोट
कि भाई तुम ये मत करो, जो गलत चीज है उसको भी करने को नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे. जो आज राइट कांग्रेस इज डूइंग इट, वी कैन सी फ्रॉम सिटिंग आउटसाइड कि व्हाट इज कांग्रेस डूइंग. भाई आज अच्छी कोई चीज कर रहा है मोदी साहब या गवा अपना भारतीय जनता पार्टी, तो पब्लिक को ये प्रोत्साहन कर रहे हैं ये गलत है, जबकि जो सही बात है उसको गलत कर रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग. सो व्हाट हैपेंस इज मास मेंटालिटी ये हो जाती है. जैसे आज आपने देखा होगा यूएस के अंदर भी, आई एम पॉजिटिव यू हैव नोन कि मिस्टर ट्रंप द प्रेसिडेंट हैज हैड डिक्लेयर कि भाई हमने तो खोलना है, हमारी इकोनॉमी बढ़ानी है. ओके, दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स लाइक न्यूयॉर्क को अगर देखेंगे आप, तो वहां इतने केसेस बढ़ चुके हैं, तो वहां का गवर्नर जो हमारे अपने यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वहां पे गवर्नर बोलते हैं न्यूयॉर्क स्टेट का, वो गवर्नर बेचारा बोलता है कि भाई मत लाओ, मत खोलो इकोनॉमी, वी हैव टू हैव द लॉकडाउन. लेकिन इंडिया में भी, इंडिया में भी बहुत सी चीजें ओपन कर दी गई हैं. लगातार कोविड के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर ओपन कर दिया गया है, तो उससे भी और ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है. बिल्कुल बढ़ सकती है सर, हमारे यहाँ पे बढ़ सकती है. सॉरी टू इंटरप्ट यू अनिल भाई एंड दीपक जी, लेकिन देयर इज अ सिक्के की दो बाजू है. जैसे इन्होंने कहा इकोनॉमी है, अभी देखिए भारत में अपना पॉपुलेशन इतना बड़ा है, और नहीं थोड़ा भी कुछ नहीं खोलेगा तो प्रॉब्लम तो होनी है उनको, घर में बैठे बैठे. अभी अगर देखा आपने दो दिन कुछ लिकर खोला तो कितनी गर्दियां, कितना क्या हो गया. तो आई थिंक वो धीरे धीरे इनको खोलना पड़ेगा. न्यूयॉर्क खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खोलने के साथ साथ जो सिस्टम्स जो गवर्नमेंट के हैं वो फॉलो भी करने चाहिए. दीपक जी मैं इस बात पे सहमत हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ एक कौन नहीं फॉलो कर रहा है, एजुकेटेड क्लास. सॉरी मुझे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जो बॉम्बे के वीडियो देखे हैं, सब बड़ी बड़ी सोसाइटी में टेरेस में घूम रहे हैं सब, वो बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंस करो. तब बॉम्बई की पुलिस ने ड्रोन से कैमरा घुमाया और वो सोसाइटी का नाम लेते हैं हर रोज नीचे जाके, नीचे लॉबी में नहीं है तो ऊपर सब जमा हो गए, वहां पे सोशल गैदरिंग हो रही है. ये कौन तोड़ रहा है? एजुकेटेड आदमी जो सिविलाइज्ड हमारे भारत के सिटीजन भाई बहन है उनको थोड़ा समझना चाहिए. सरकार आज देखिए ये टोरंटो में बैठे हैं कि हम विनिपेग में बैठे हैं, हमारी सरकार ने बोल दिया अननेचुरली बाहर नहीं जाना है, हमें नहीं जाना है, खत्म, बात खत्म हो गई. आप जी रहे हैं अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, लेकिन यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड हमारा कर्तव्य बनता है कनाडा के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, क्या हमें बोला गया तो हम दूर रहे. यस बिल्कुल, हमको हमारी सोच बदलनी चाहिए. यहाँ पर मैं आप दोनों से यही पूछना चाह रहा हूँ, जैसे इंडिया में तो इंडियन लोगों की जो सोच है वो ये है कि अगर कर्फ्यू भी लगा हुआ है, लॉकडाउन भी है, तो हम देख के आएंगे, सेल्फी लेकर आएंगे वहां से कि लॉकडाउन कैसा होता है, कर्फ्यू कैसा होता है, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि आपकी जान को कितना खतरा हो सकता है, और आपको ही नहीं, आपके साथ साथ आपके परिवार को, आपके पड़ोसियों को और सब लोगों को इससे परेशानी हो सकती है. तो ये मेंटली किस तरह बदले? आप जब इंडिया में रहते थे तब आपकी मेंटेलिटी भी इंडियन तरीके की होगी, अब जब आप कनाडा चले गए तो आपकी मेंटेलिटी बढ़ी है, तो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं हमारी जो मेंटेलिटी है? सर उसके लिए तो हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है एवरीबॉडी. और अगर आपको मैं कहूं कि आज जो भाई साहब इंडिया में रहते हैं और अगर वो सिंगापुर चले गए, वो पान खाते हैं थूकेंगे नहीं सिंगापुर में, लेकिन बंबई में होंगे, दिल्ली में होंगे या अहमदाबाद में होंगे तो बड़े खुले आम थूकेंगे, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसा देश वैसा भेष. कचरा का एक डब्बा नहीं है तो क्या दिख नहीं रहा, चलिए पुड़िया फेंक दी रास्ते में, लेकिन वही आदमी द सेम पर्सन विल नॉट डू द सेम थिंग इन कनाडा और इन सिंगापुर, क्योंकि या तो उनको डर है. या मैं आपको एक बताता हूँ, मेरा किस्सा है, मेरा छोटा सा किस्सा, मेक इट वेरी क्विक. माई डॉटर हैपन टू बी इन इंडिया और उसका कजिन जो है उसने कुछ खाना खा रहे थे गाड़ी में और उसने पुड़िया बाहर फेंक दी चलती गाड़ी से. मेरी बिटिया ने गाड़ी रुकवाई, उसको लेके गई वापस, हाथ से उठवाया और बोला कि अभी तू गाड़ी में रख या जेब में डाल, कचरे की डब्बी आएगी तब उसमें डालना. सो यू नो दिस इज व्हाट people need to be taught, they have to understand and right. they have to create that attitude in their mind.
डिसिप्लिन इज समथिंग विच दे डोंट वॉन्ट टू फॉलो. Yes. रिबेलियस हम इंडियंस हैं जो पूरे स्टार्टिंग से रिबेलियस है. हम ब्रिटिश के साथ भी किया था और हमको यहाँ पे भी करना है घर के अंदर भी. बिल्कुल बिल्कुल, हमको घर के अंदर भी वही फॉलो करना है जो हम बाहर करते हैं. हेमंत जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अब क्योंकि इस महामारी के बाद जब वापस से सारी चीजें नॉर्मल होंगी तो बिजनेस और इकोनॉमी को देखते हुए या जो बेरोजगार लोग हैं उनको वापस रोजगार देते हुए या कई लोगों के जो रोजगार है वो छूट भी जाएंगे, उनकी जॉब भी जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन लोगों को जिनकी जॉब छूट गई है, वो बिजनेस करना चाहते हैं, अगर बिजनेस करेंगे तो किस तरह का करना चाहिए और कैसे उनको बैंकों से या गवर्नमेंट से सपोर्ट लेना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल और ये पूरी दुनिया के लिए ये सवाल है अभी, क्योंकि ये कोरोना की महामारी से हम जब बाहर आएंगे मेरा, और जब बाहर आएंगे इसके बाद इकोनॉमिक रिसेशन पूरे दुनिया में है. मैं तो सर दीपक जी, मैं तो रिटायर हो गया हूँ. हमारे बड़े भाई अनिल भाई वहां बैठे हैं, ही इज डीलिंग मल्टीनेशनल के साथ, वो ज्यादा इस बारे में बताएंगे. लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा कि हमें सबको कंधे से कंधा मिला के काम करना पड़ेगा. और दूसरी चीज, मैं आपके माध्यम से जो आपने मुझे सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब मैं अनिल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बोलूंगा एविएशन जो मेरी एक लाइन रही है, एविएशन में मैंने बहुत कुछ काम किया, कनाडा से किया है. भारत सरकार को एक मेरी विनंती है, एक रिक्वेस्ट है कि एविएशन सेक्टर इंडिया को निग्लेक्ट ना करें, क्योंकि वो एविएशन खाली एयरलाइन चलाते हैं वो नहीं, उसके पीछे कई सर्विसेज एयरलाइंस के साथ जुड़ी हुई है, कार्गो के साथ जुड़ी हुई है. तो मैंने जो देखा है ओवर द जेट एयरवेज का एपिसोड हुआ तब से मैंने जो देखा है एविएशन इंडस्ट्री को भारत ने थोड़ा निग्लेक्ट किया. अभी भी देखिए इंडियन गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है. नहीं, आप देखिए पूरे दुनिया में हम वापस कहते हैं भारत इज नॉट अ कैश रिच कंट्री, बट आज देखिए यूएस में देखिए, कनाडा में देखिए, यूरोप में देखिए, लुफ्तांजा, स्विस एयर, गवर्नमेंट हैज गिवन देम मनी टू बेल देम आउट, क्योंकि कोविड 19 से कई एयरलाइंस अंटिल दिसंबर दे आर नॉट गोइंग टू ऑपरेट, सो हाउ दे विल मेक अ सर्वाइवल. सो उनके पीछे कितना केटरिंग होता है, ग्राउंड हैंडलिंग होता है, देखिए कितने कितने सर्विसेज जुड़ी हुई हैं, दे विल बी अनएम्प्लॉयड. तो भारत सरकार को विनंती है, क्योंकि दे हैव टू लुक एविएशन इंडस्ट्री वेरी पॉजिटिव इन इंडिया, क्योंकि कल उठ के जब ये लॉकडाउन खुला तब ये एविएशन ही चलेगी. आपके पास जो 6-7 एयरलाइंस हैं वही चलेगी, इंटरनेशनल भी चलेगी, तो इसकी बहुत जरूरत है भारत सरकार को ये देखने का. और इससे मैं कहता हूं कि दे शुड लुक एट इट वेरी पॉजिटिवली कि हाउ दे कैन सपोर्ट लोकल एविएशन इंडस्ट्री. और वो आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, वो अनिल भाई विल बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस. अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप चेयरमैन हैं कनाडा इंडिया फाउंडेशन के, तो जॉब को लेकर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है या जॉब छूटने वाली है तो किस तरह से वो अपनी फैमिली को और खुद को मेंटेन रख पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज है कैश इज किंग. जिसके पास पैसा होगा इज द किंग. एवरी एम्प्लॉयर विल हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि भैया ये जो एम्प्लॉयज है मेरे, उनको आज मेरे को शायद उनकी जरूरत नहीं है बट कल जरूरत रहेगी. अगर हम एज एन एम्प्लॉयर अगर मैं ये सोचता हूं तो आई शुड कंटिन्यू विद दैट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एंड कंटिन्यू टू पे हिम, वेदर इट इज 100%, 90%, 85%, 60%, टू सम कट्स, यस, बट एम्प्लॉय को जरूर अगर सपोर्ट करेंगे हम, उसकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसका मतलब उसकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, दैट मीन्स वी आर गोइंग बियॉन्ड. एज फार एज यू नो, इट्स अ पर्सन टू पर्सन, यू कैन नॉट डू, आई कैन नॉट आस्क सब लोग पैसा दे अपने एम्प्लॉय को, बिकॉज बट आई एम टॉकिंग अबाउट मी, वी हैव पेड सो फार 100% टू ऑल द टॉप एम्प्लॉयज एक्सेप्ट द टॉप मैनेजमेंट लेवल वेयर वी हैव आवरसेल्व्स हैड अ कट ऑफ 75%. हम लोग हमारा खुद का, सो 25% कट एंड वी आर पेइंग 75% टू द टॉप मैनेजमेंट. एज कमिंग टू
बिकॉज हमें मालूम है कुछ तो हमको गवर्नमेंट वापस दे रही है, कुछ हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा. एंड मुझे मालूम है आज द डे मार्केट खुलेगी, द डे कोविड गेट्स ओवर, सूनर और लेटर वी विल नीड दोज एम्प्लॉयज. एंड एम्प्लॉयज आर, दे आर योर ब्रेड एंड बटर, दे आर द वंस हु क्रिएट एंड गेट यू द बेनिफिट्स. माई बिजनेस, इन माई बिजनेस द वे आई लुक एट इट, कि आज इंडिया, माई मेजर बिजनेस मार्केट इज इंडिया, जस्ट इन केस फॉर यू टू अंडरस्टैंड. मैं मेरे कस्टमर से बात करता हूं कि भाई आप अपना प्लांट क्यों नहीं खोल रहे हो, आपका प्लांट तो ग्रीन जोन में है. तो बोले अनिल आई हैव टू चैलेंजेस, कि अगर मैं ग्रीन जोन में प्लांट खोल दिया आज, मेरे पास कोई वर्कर नहीं है, क्योंकि सब वर्कर जो रहते हैं वो रेड जोन से ऑरेंज जोन या जैसे ग्रीन जोन में आना पड़ेगा, तो आई कैन नॉट ऑपरेट फंक्शनली. अगर मैं उनको, मैं घर का उनको रहने का भी ठिकाना दे देता हूं प्लांट किया था, मैं अगर प्रोड्यूस करूंगा प्लांट, मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट मैं किसको बेचूंगा, कहां बेचूंगा, क्योंकि मार्केट्स बंद है. सी द कॉर्पोरेटिव मार्केट, आज स्टील मार्केट, स्टेनलेस स्टील मार्केट, सब मार्केट्स जो है दे आर ऑल क्लोज्ड आउट, क्योंकि दे आर ऑल हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता, और दे आर ऑल इन टू द रेड जोन. तो कोई मार्केट खुली नहीं है, तो माल फैक्ट्री बनाएगी तो जाएगा क्या, कहां भेजेगा. अब उसी बात को अगर आप पीछे लेके जाते, जो मेरा प्लांट है, अब मैं मेरा प्लांट शुरू नहीं कर पा रहा हूं, ऑल्दो इट इज ओपनड अप, इट्स फुल्ली ओपन. माय एम्प्लॉयज आर सेइंग व्हाई डोंट यू ओपन. भैया मैं क्या करूंगा, क्या मेरे को माल तो सप्लाई करना है मेरे कस्टमर को, मेरा कस्टमर बोलता मैं प्लांट नहीं शुरू किया तो मैं माल ले लूंगा. सो इट्स अ साइकिल. So economy is going to be only fully operational when everything else is stabilized. You know, in few stages we will have, and it will be probably as Hemant bhai said, nothing will happen close to until December when we are fully Bilkul. provided we have found the vaccine. आने वाले दिनों में और संघर्ष की स्थिति जॉब को लेकर हो, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में देखे, तो आने वाले दिनों में संघर्ष जो है और बढ़ने वाला है. लेकिन हमारे साथ जो दो हमारे मेहमान जुड़े हैं, हेमंत जी और अनिल जी, आपने जो जो चीजें हमें बताई, हम चाहते हैं कि इंडिया के लोग भी उन चीजों से काफी कुछ सीखें, क्योंकि गवर्नमेंट को जिस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं और आपको जिस तरह गवर्नमेंट वहां की सपोर्ट कर रही है, तो दोनों हाथ से ताली बजती है, तभी हम एक सक्सेस की ओर जाते हैं. तो यहां पर हम भी उन लोगों को यही कहना चाहेंगे कि सरकार को आप भी सपोर्ट कीजिए, और सरकार को भी चाहिए कि वो चाहे उनका बिजनेस हो या जॉब हो, कुछ परसेंटेज जो इकोनॉमी का है वो उनको भी सपोर्ट करें. चलते चलते मैं हेमंत जी और अनिल जी आपसे कहना चाहूंगा कि आप इंडिया के लोगों को क्या कहना चाहेंगे. मैं दीपक जी पहले ये कहना चाहूंगा कि हम वो आर्य संस्कृति से आए हुए हैं और हमने सीखा है कि वसुदेव कुटुंबकम, हम हमारा ये पूरा कुटुंब है, तो इसमें जो हमारे एम्प्लॉय है, जिसके साथ काम करते हैं, सरकार है, हमें एक हाथ जुड़ाना है और एक कोरोना की महामारी के साथ हमें लड़ना है, एक होके, एकजुट होके हमें. बिल्कुल. इन ये जो पॉलिटिक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं सही बोलूं, मुझे भी अनिल आते हैं, फोन आते हैं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें सबसे सबके लिए एक साथ होके, जो भी अपनी सरकार, मोदी साहब हैं, जो भी हैं, उनको सपोर्ट करके बाहर निकले और आगे बढ़े और एक पॉलिटिक्स को छोड़ दें. अभी ये पॉलिटिक्स की जगह नहीं है, दिस इज नॉट द स्टेज फॉर अ पॉलिटिक्स टू प्ले, दिस इज के हमें कोरोना से बाहर आना है. और हमारी जो आम आदमी है, जो अनिल भाई ने बताया, जो कैश इज किंग, वो किंग है, उसको कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बिल्कुल मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास है, और जो आम आदमी है उसको जरूरत है, हम उसको कैसे जरूरत पूरी करें, यही मेरा विनंती और नम्र विनंती होगी हमारे भारत के भारतीय के लिए. अनिल जी आप क्या कहना चाहिए. एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि ट्रस्ट इन योर गवर्नमेंट, ट्रस्ट इन योर इंस्टिंक्ट, maintain social distancing and follow the rules and the lockdown and you will be able to survive out this turbulent times. सबसे बड़ा एक और भी इश्यू है जो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि जो फॉलो करना बहुत जरूरी है. हम लोग कहते हैं कि
ये जो लॉकडाउन की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हुई है, लोग काफी लोगों को हुई है, बट वी स्टिल हैव टू बेयर इट, वी हैव टू टॉलरेट इट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड कंसीडर दैट एज अ न्यू नॉर्म. विद दैट आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू डू दैट. जी बिल्कुल, जिस तरह से कनाडा में बैठे हमारे जो भारतीय लोग हैं, जो इंडियन लोग हैं, जो पूरी तरह से वहां की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही हमको भी यहाँ की सरकार को और सरकार को हमको सपोर्ट करना चाहिए. आप हेमंत जी और अनिल जी टोरंटो से और कनाडा से हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम आपसे इसी तरह बातों का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे और एक दूसरे देशों की जो संस्कृति है, जो वहां का कल्चर है, जो वहां का मैनेजमेंट है, उसको हम आदान प्रदान करते रहेंगे. थैंक यू, धन्यवाद. You're welcome, sir. Thank you for having us. City Live, a platform to sharing your thoughts.